इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की ब्रिटेन की संपत्तियों को यूके अथॉरिटीज ने जब्त कर लिया है। दाऊद की कुल संपत्ति 6.7 अरब डॉलर है, जिससे वो कोलंबिया के ड्रग सम्राट पाब्लो एस्कोबार के बाद दूसरा सबसे अमीर अपराधी बना। दाऊद 1993 के मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। ये मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजनयिक विजय है। भारत सरकार ने कहा है कि 1,00,000 चकमा तथा हजोंग शरणार्थियों को जल्द से जल्द नागरिकता दी जाएगी, जो 5 दशक पहले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आए थे और नॉर्थ ईस्ट के शिविरों में रह रहे हैं। कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी की स्थिति बदल जाएगी। नई दिल्ली और टोक्यो भारत की पहली बुलेट ट्रेन के निर्माण में आपसी सहयोग कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि इस विकास से खुश है और कहा कि बीजिंग नई दिल्ली के साथ रेलवे सहित इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रोहिंग्या रिफ्यूजी मुद्दे पर भारत को एक खलनायक के रूप में पेश करने के प्रयासों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में यूएन ने भारत द्वारा म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या को डिपोर्ट करने के किसी भी प्रयास की तीखी आलोचना की थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले महीने यूएसए में आने वाले हार्वी और इरमा तूफान के कारण भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद AIADMK की नेता VK शशिकला को विशेष सुविधाएं दी जाने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। जेल अधिकारियों का कहना है कि उनके साथ किसी अन्य साधारण कैदियों जैसा व्यवहार ही किया जा रहा है। हालांकि बिहार के सत्तारूढ़ JDU ने शरद यादव को लालू प्रसाद की पार्टी RJD में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन इस विद्रोही नेता ने दावा किया है कि असली JDU वो ही है और जल्द ही वो इसे साबित कर देंगे। यादव ने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के संविधान की मर्यादा और नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया। कांग्रेस छात्र विंग NSUI ने 5 साल बाद शानदार वापसी करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पदों पर कब्जा जमा लिया है। इस जीत से RSS संबंधित ABVP को बड़ा झटका लगा है, जो केवल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर ही जीत पाई है। भारत के हेड कोच रवि शास्त्री ने महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय भविष्य के बारे में चल रहे संदेह को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट रांची के साहसी खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म और फिटनेस पर संदेह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। धोनी 2019 में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप में खेलेंगे। अर्जुन रामपाल द्वारा अभिनीत फिल्म डैडी में फरहान अख्तर को दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर की भूमिका निभाते हुए देखकर दर्शकों को हैरानी हुई है। फरहान का कहना है कि फिल्म में उनकी उपस्थिति को गुप्त रखा गया था। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम अमेरिका के महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।